दोस्तों, मैं आपका दुबई वाला राजा आज 15 अगस्त के दिन आपको आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूं। और आज दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, एक का रिव्यू मैं आपको दे चुका हूं और दूसरे का रिव्यू मैं आपको अब दे रहा हूं, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते टी सीरीज ने इसे प्रेजेंट किया है और फेमस जोड़ी भूषण कुमार और किशन कुमार ने इसे प्रोड्यूस किया है। दोस्तों, सत्यमेव जयते को लिखा है और डायरेक्ट किया है मिलाप मिलन जवेरी। जी हाँ, ये तीन आदमी नहीं है, ये एक ही नाम है, एक ही आदमी है, मिलाप मिलन जवेरी। अब हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के कलाकारों की। तो इस फिल्म के दो मुख्य कलाकार हैं जॉन इब्राहिम और मनोज बाजपेयी। अब हम बात करेंगे सत्यमेव जयते फिल्म की कहानी की। तो जनाब, इस कहानी में दो भाई हैं और पूरी कहानी इन दो भाइयों के ऊपर ही आधारित है। एक है मनोज बाजपेयी और दूसरा है जॉन इब्राहिम, एक है पुलिस वाला और एक है अपराधी। हम देखते हैं कि फिल्म शुरू होती है जिसमें जॉन इब्राहिम एक इंस्पेक्टर को खींचते हुए लेकर आ रहे हैं जमीन के ऊपर और वो जिंदा है, लेकिन उस जिंदे इंस्पेक्टर को वो चिता के ऊपर लिटा देते हैं और घी डालकर उसको बाकायदा आग लगा देते हैं, भस्म कर देते हैं। और उसके कुछ क्षण के बाद एक दूसरे इंस्पेक्टर को भी वो उसके घर के अंदर घुसकर बाकायदा जलाकर भस्म कर देते हैं। और ये भस्म करने की उनकी कहानी पुलिस वालों के साथ इस कदर जुड़ी होती है कि पब्लिक देखने वाले ये सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जॉन इब्राहिम उन करप्ट ऑफिसर्स को जला देते हैं जिनके ऊपर उन्हें भरोसा होता है कि ये रिश्वत के मारे हुए हैं और समाज के लिए एक नासूर बन चुके हैं। दर्शकों, आपको अंत में पता लगेगा कि इस कहानी में जॉन इब्राहिम के पिताजी, जो कि खुद पुलिस में थे, उन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला दिया था। मैं सोचता हूं कि मैं आपको इसके आगे की कहानी न बताऊं और मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को जाकर बड़े पर्दे पर देखें और पूरी तरीके से इस बात को समझें कि सत्यमेव जयते का क्या मतलब है। पूरी फिल्म पुलिस के करप्शन के ऊपर आधारित है। करप्शन को इस हद तक बढ़कर बताया गया है कि पूरी फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा और कोई भी पुलिस वाला ईमानदार नज़र नहीं आता है। और इस हद तक बेईमानी से भरे हुए पुलिस वाले नज़र आते हैं कि लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर जो है वो भी उठ जाएगा, इस तरीके से फिल्म में लगता है। और अंत में तो इस बात की हद हो जाती है जबकि कमिश्नर खुद करप्ट ऑफिसर के रूप में सामने आता है और इस कदर जज्बाती होकर ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता है जिसके बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। अब हम बात करेंगे कलाकारों के अभिनय की। तो जॉन इब्राहिम और मनोज बाजपेयी दोनों अपने अपने रूप में, अपने अपने कला में माहिर हैं और दोनों ने अपना अभिनय जमकर किया है। फिल्म अच्छी है, देखने लायक है। और अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे स्टार की बात करेंगे तो मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार देना पसंद करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। दुबई वाला राजा आपको फिर मिलेगा अगली फिल्म के रिव्यू पर। थैंक यू, बाय।